हाय फ्रेंड, मैं हूँ अश्विनी। अश्विनीज मेज़बानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोथिंबीर वड़ी, यानी कि धनिया पत्ता की वड़ी, और बहुत फटाफट बन जाती है और टेस्टी और क्रिस्पी बन जाती है। आइए हम बनाते हैं धनिया पत्ता की वड़ी। अब ये वड़ी बनाने के लिए मैंने ये धनिया पत्ता अच्छे से धो के साफ करके लिया है। इसका पानी पूरा सूखा देना है ताकि इसमें कम से कम बेसन यूज हो। अभी हम इसको बारीक काट के फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। अभी मैंने ये धनिया पत्ता एकदम बारीक काट के लिया है। अभी इसमें हमें मसाले ऐड करने हैं। पहले मैं बेसन 1 कप लिया है, इसको छान के लूँगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। ये वाइट तिल है, ये बड़ा 1 चम्मच है, इसको डाल दूँगी। लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच। हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर, जीरा, अजवाइन, ये दोनों भी 1-1 छोटे चम्मच डालने, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अभी हमें ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको अच्छे से एक डो में बनाना है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो बनाऊंगी। अभी ये मैंने ऐसे तैयार कर लिया डो। अभी हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और फिर इसमें से थोड़ा निकाल के इसका हमें रोल बनाना है। आप जितना बड़ा पतला आपको जैसे रोल चाहिए आप बना सकते हो। ये मैंने रोल बना के रेडी कर दिए हैं। आप बेसन के साथ इसमें आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो, कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको स्टीम करूँगी 10 मिनट, फिर इसको काट के हम फ्राई करेंगे। मैंने ये पानी बॉईल हो चुका है, मैं इसके ऊपर ये रखूँगी और फिर इसके ऊपर लेड रख के हम इसको 10 मिनट स्टीम करेंगे। अब ये अभी हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं ये स्टीम हुआ या नहीं। ये स्टिक है, इसको ऐसे अंदर डाल देंगे। ये हमारा पक चुका है। अब मैं इसको ठंडा करके हम काटेंगे फिर फ्राई करेंगे। ये अभी हमारा ठंडा हो चुका है। अभी हम इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। अभी इनको छोटे छोटे पीस में कट करना है। आप इसको छोटा बड़ा आप कैसे आपको जैसे चाहिए आप कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो बिना फ्राई किए, या इसको शैलो फ्राई भी करके खा सकते हो। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगती है। ये अभी हमारा कट होके हो चुका है। अभी मैंने तेल भी गरम किया है। अभी हम एक एक इसमें ऑयल में छोड़ देंगे। अभी हम इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। देखो ये अभी हमारी फ्राई हो चुकी है। ये ऊपर तैर रही है, इसका मतलब ये हमारी सारी वड़ी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखो इसका कलर कितना प्यारा है और ये इसका क्रिस्पी बहुत अच्छा है, क्रिस्पी भी हो चुकी है। देखो ये हमारी वड़ी सारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। देखो कितनी क्रिस्पी बनी है और इसका कलर भी कितना प्यारा है। हम इसको ऐसे ही खा सकते हैं चाय के साथ, इसको हम सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और बिना फ्राई करे हम फ्रिज में ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो 2 दिन रह लेगी, और फिर हम बाद में जब ज़रूरत है तब हम इसको फ्राई करके खा सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया बनी है। ये स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। और देखो ये बहुत क्रिस्पी बनी है, इसका टेस्ट बहुत प्यारा है।
अभी ये अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी पूरा क्रिस्पी बना है। इसको घर में ज़रूर ट्राई करना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और आप इसको बना के कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी है। ओके, बाय, थैंक यू।